दिग्विजय सिंह ने सुषमा स्वराज के ललित मोदी को मदद करने के केस में बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने ललित मोदी केस में पीएम नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ ही राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को भी निशाने पर लिया है। दिग्विजय ने मामले में एक ट्वीट किया है। दिग्विजय ने कहा कि वसुंधरा राजे क्यों खामोश हैं? उन्हें अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। वसुंधरा जी, आपकी खामोशी से गलत संदेश जा रहा है, कृपया सामने जाकर इसे स्पष्ट करिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की खामोशी सब कुछ कह जाती है। बड़े मोदी ने छोटे मोदी के साथ मिलकर दो चिड़ियों का शिकार किया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, ललित मोदी के विवाद से बीजेपी में सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ है? सही जवाब देने पर कोई इनाम नहीं मिलेगा। क्या बीसीसीआई आईपीएल की नीलामी प्रक्रिया की जांच करने वाली अरुण जेटली कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी, जिसमें ललित मोदी दोषी पाए गए थे? इससे ललित मोदी के ताकतवर संबंधों के रहस्य की परतें खुली। दिग्विजय का कहना है कि जैसे ललित मोदी की कहानी सामने आ रही है, क्या इससे ये नहीं लगता कि इसे खुद ललित मोदी ने लिखा है? उन्होंने ऐसा क्यों किया? सिंपल है, खुद को बचाने के लिए। ये तथ्य है कि सुषमा जी भारतीय उच्चायोग के किसी प्रतिनिधि को साथ लिए बिना कितवास से और ललित मोदी से लंदन के होटल में मिली। हालांकि ललित मोदी विवाद से नाम जोड़े जाने पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक दस्तावेज से दूरी बनाने की कोशिश की, जिससे उन्हें ब्रिटेन में पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी की आव्रजन अर्जी का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।